डीए में बढ़ोतरी हेतु इंतजार कर रहे रेलवे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए खुश खबर है। केंद्र सरकार ने अब रेलवे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के महंगाई एवं भत्ते में 4% तक बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ अब महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। डीए में वृद्धि 1 जुलाई 2023 से प्रभावित होगी और कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए एरियर के साथ अगले वेतन में मिलेगा। अन्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों का डीए बढ़ाने के 5 दिन पश्चात रेलवे विभाग ने डीए हेतु आदेश जारी किया है। रेलवे कर्मचारी संघ ने दीपावली से पहले की गई इस घोषणा का खुलकर स्वागत किया है। ओनल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि डीए कर्मचारियों का अधिकार है, यह जुलाई से मिलना था। हालांकि हम दीपावली से पहले इसके भुगतान की घोषणा करने के फैसले का स्वागत करते हैं। महंगाई भत्ता क्या होता है, आइए जानते हैं। महंगाई भत्ता यानी कि डीए सरकारी कर्मचारियों का वो हथियार है जिससे वो हर साल बढ़ने वाली महंगाई से बचे रहते हैं। दरअसल केंद्र या राज्य सरकारी कर्मचारियों को सरकार उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए उन्हें बेसिक सैलरी के अलावा अतिरिक्त भत्ता देती है ताकि उन्हें महंगाई की मार न लगे। आपको बता दें कि महंगाई भत्ता का पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दिया जाता है। सरकार हर 6 महीने में एक बार डीए की गणना करती है। वर्तमान में 42% डीए दिया जा रहा था, लेकिन समस्त कर्मचारियों को अब 46% महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। डीए को रिटेल यानी खुदरा महंगाई के आधार पर तय किया जाता है, थोक महंगाई के आधार पर नहीं। खुदरा महंगाई उसे कहते हैं कि जो हम और आप किसी सामान को खरीदने के बाद पेमेंट करते हैं। वहीं केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारों ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी है। इनमें असम, राजस्थान, झारखंड और गोवा जैसे राज्य शामिल हैं। इन सभी राज्यों में डीए में 4% की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने को मंजूरी दी है।